अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम चकवाल। मैंने कहा नॉर्थ के काफ़ी टूर्स हो गए हैं, तो इस दफ़ा मैं आपको पंजाब के अंदर कोई चीज़ दिखाता हूँ, पंजाब की कोई प्लेस विज़िट करवाता हूँ। और चकवाल में मैं इस वक्त कलर का हार तहसील है वहाँ पे मौजूद हूँ। और जो जगह मैं आपको विज़िट करवाने जा रहा हूँ, इस जगह की मजहबी हवाले से, तारीखी हवाले से, जुग्राफियाई हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये सॉल्ट रेंज के अंदर जो पहाड़ी सिलसिला है, जेलम से स्टार्ट होता है, उसमें ये जगह मौजूद है, तारीखी जगह है। और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग जो हैं वो आए, उन्होंने इबादत की और यहाँ पे उन्होंने अपनी इबादत गाहें बनाई। तो इस जगह का नाम है कटास राज टेम्पल। सबसे पहले हम यहाँ पे जो इनका एक मुकद्दस तालाब है, जिसको वो मुकद्दस चश्मा भी बोलते हैं, वो दिखाते हैं आपको। ये हमारे साथ हैं गाइड, इनका नाम भी शकील है, मेरे हम नाम है। इनसे इस तालाब की जो हिस्ट्री है वो पूछते हैं। वेलकम जी, मेरा नाम शकील मलक है, मैं टूर गाइड हूँ। इस तारीखी और मजहबी जगह का नाम है श्री कटास राज। कटास संस्कृत जबान का लफ्ज़ है कटक शाह, जिसके लुगवी मैंने आंसू की लड़ी या रोती हुई आँख। महाभारत किताब ईसा से 300 साल कबल लिखी गई, उसमें इस जगह का जिक्र है। 5 पांडव अर्जुन युधिष्ठिर निकल से दे भीम आज से 5000 साल कबल यहाँ पे आए। मेन चीज ये झील है, ठीक है। झील के मुख्तलिफ नाम है अमरकुंड, चमरकुंड, विश्वकुंड वगैरह। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब शिव देवता की बीवी सती की डेथ हो गई, तो महादेव शिव शंकर भोलेनाथ उनके गम में रोए। उनके रोने से जो दो आंसू गिरे, दो चश्मे वजूद में आए। एक पुष्कराज इंडिया अजमेर में और दूसरा ये कटास राज। कटास की वजह शोहरत यहाँ पे पाए जाने वाले मंदिर है, जिनमें श्री शिव मंदिर, श्री हनुमान मंदिर, श्री रामचंद्र मंदिर, सतगढ़ मंदिर वगैरह। कटास में 3 तहजीबें हैं, बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख। बुद्ध मत का स्टूपा के आसार हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं और सिखों की हवेली है। ठीक है। इसकी जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि अल बेरूनी, जो एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर थे, वो भी कटास में आए। उन्होंने कटास से संस्कृत जबान सीखी, फिर इस जगह से जाकर किला नदना पार गए, जो कि बागमवाला के करीब है। उसके लिए पर ठहर कर अल बेरूनी ने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात करके ज़मीन का कतर मालूम किया और एक किताब लिखी, जिसका नाम है किताब अल हिंद, जो हिंदू कल्चर से बहस करती है। अब हम मेन मंदिर से शुरू करें। अच्छा, मुझे बताइए कि इसका पानी कहाँ से आता है? अब इसके नीचे चश्मे हैं, चश्मों से पानी आता है, और जो इसकी पानी की कमी है वो पीछे ट्यूबवेल का पानी चला के पूरी की जाती है। ये नीले कलर का पानी था पहले, वाटर लेवल वो ऊपर पुराने निशान लगे हुए हैं, लेकिन ये इसका वाटर लेवल कुछ नीचे चला गया। ठीक हो गया। ये जी बोर्ड लगा हुआ है अमृत कुंड मुकद्दस चश्मा यहाँ पे। अच्छा जी, ये अभी हम यहाँ पे एक बारादरी बनी हुई है, उसके अंदर जा रहे हैं और जाके इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि बारादरी की क्या हिस्ट्री है। बारादरी का मतलब 12 डोर, ए बिल्डिंग व्हिच हैव 12 डोर कॉल बारादरी। ठीक है। साइड 3 डोर, 3 राइट, 3 लेफ्ट, 3 बैक। ठीक है। इसके दरमियान में एक टेम्पल है जिसमे हवन होता है, हिंदू लोग आग जला के पूजा करते हैं, जिसको हवन कहते हैं। तो इसके हर साइड पे 3-3 दरवाजे हैं। ये बारादरी से आप तालाब का भी और ये जो कम्प्लेक्स है पूरा इसका व्यू ले सकते हैं जी। ये श्री शिव जी का मेन मंदिर है। ये हिंदू धर्म है, 3 बड़े देवते हैं ब्रह्मा, शिवा और विष्णु। ये श्री शिव जी का मेन मंदिर है, ये अभी तक एक्टिव है। इसके अंदर शिवलिंग है और श्री शिव जी की मूर्ति है, जिसपे हिंदू लोग दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको जूते निकालने हैं। हाँ जी, दूसरे मजाहिब जो हैं उनकी इबादत गाहों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए जी। ये मेन मंदिर है, इस स्टोन को शिवलिंग कहते हैं। हिंदू पीपल पोर्ट्रेट मेल कोकोनट एटसेट्रा इन हिंदू मूवीज यू कैन सी फन स्नेक अराउंड देयर। ये नदनी है, त्रिशूल है, डफलू है, पीछे श्री शिव की मूर्ति है, ऊपर शिवा और पार्वती की तस्वीर है। ठीक
ठीक है जी, अंदर भी जाना यहाँ तक। ठीक है, ये देखें जी, ये जो पत्थर नजर आ रहा है आपको, ये वो पत्थर जो अक्सर आप देखते होंगे मूवीज में, ड्रामास में, इसके ऊपर ये हिंदू मजहब के लोग जो हैं वो दूध वगैरह और दूसरी चीजें डालते हैं। ये श्री रामचंद्र मंदिर है, इसके फ्रंट पे संगे सुरख लगा हुआ है, इसके चौकाट पत्थर का है, 3 पीसेस रियल है, एक रेनोवेटेड है, 2 झरोके हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, पहले ऐसे में कमरे हैं, दरमियान में हॉल है, टॉप पे मंदिर बना हुआ। अंदर विजिट करें, 7 कमरे। ये जी इनका एक और मेन मंदिर है, इसमें 7 कमरे बने हुए हैं नीचे यहाँ पे, श्री श्री रामचंद्र टेम्पल है जी यहाँ पे। ये देखें छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पे, ये हवा के लिए और रोशनी के लिए, ये रोशनदान क्या है रखा गया, इसके 3 अतराफ में कमरे हैं जी यहाँ पे, और हर कमरे की बनावट जो है वो तकरीबन एक जैसी है, और रास्ता भी निकलता जाता है, और देखें रोशनी का कितना बेहतरीन निजाम उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। ये जी समंदर का तहखाना है, थोड़ा सा देखते हैं, ये हाँ अंदर कोई चमगादड़े हैं, मैं देखता हूँ। ये जी तहखाना बहुत छोटा है, ये देखें ये जगह बनी हुई, शायद यहाँ पे कोई खजाना छुपाते होंगे। ऊपर बालकोनियां झरोके बने हैं, चलें जी ऊपर जाते हैं जी इस मंदिर के ऊपर, ये सीढ़ियां जा रही हैं। वाह बहुत आला, बहुत आला, ये इसका दरमियाना हिस्सा है, ये हाल है जी इसका हाल, और ये इधर से आपको इर्द गिर्द का बहुत मज़े का सीन नज़र आता है। ये हाल के पीछे भी मेरे ख्याल से एक और हाल बना हुआ है, हाँ जी एक और है, बल्कि कमरे बने हुए नज़र आ रहे हैं, और बैक टू बैक ये 3 हॉल्स हैं, बड़े वाला भी ये हाल है पीछे, दरमियान में इसी लंबाई के 3 कमरे उन्होंने बना दिए हैं, ये वाले, ये इस मंदिर की जो तारीख है आपको तकरीबन 2000 से 3000 साल पुरानी जो है तारीख है इसकी, और यहाँ पे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया एक वो पत्थर, उनका मुकद्दस पत्थर, उसकी हिस्ट्री तकरीबन 5000 साल पुरानी है। ये इसकी जी सबसे ऊपर वाली जो मंजिल है इस मंदिर की, यहाँ पे भी एक ऊपर ये टेंपल बना हुआ है, ये देखें जी ये टेंपल है, इसके अंदर अब कोई जगह नहीं है जी, कोई चीज़ नहीं है, सिंपल पुराना एक आर्किटेक्चर खड़ा है, और ऊपर मेरे ख्याल से चमगादड़ों के घर बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ से आपको इर्द गिर्द का सारा सीन और नज़ारा वगैरह नज़र आता है, ये देखें पीछे अभी हम इन मंदिरों की तरफ भी जाएंगे। ये हरी सिंह नलवा की हवेली है, हरी सिंह नलवा सिख जरनैल था रणजीत सिंह दौर का, 1799 से 1840 सिख पीरियड है, ये सिख पीरियड में ये हवेली बनवाई गई। इसके 4 डिफेंस पॉइंट हैं, बुर्ज जिनको कहते हैं, 2 इस साइड पे 2 उस साइड पे, इसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक दीवान खाना एक जनान खाना, इसे हरी सिंह नलवा की हवेली कहते हैं। अंदर से घूम फिर के देखें, ये दीवान खाना है, आगे जनान खाना, ये दीवान खाना है, हाँ ये दीवान खाना है, इसको मैंने सुना लाइब्रेरी उसमें म्यूजियम में चेंज कर रहे हैं, नहीं म्यूजियम नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं आगे चले जाएं, आगे देखें, ठीक।
ये देखें जी इस शानदार हवेली के अंदर के मनाजर। यहाँ पे अब कुछ रेनोवेशन काफ़ी ज़्यादा की गई है क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी, तो अच्छा कर रहे हैं कम से कम जिस हद तक मुमकिन है वो इन चीज़ों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बना रहे हैं। ये छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, लकड़ी की बड़ी प्यारी स्मेल आती है जो भी लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। ये देखें जी क्या ही कमाल की जगह है। अब छोटी सी बरामदे से गुजर के ये बुर्ज जो है ये देखें जी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये सुराख, ये गन पॉइंट थे क्योंकि ये हफाजती बुर्ज है ना, सिक्योरिटी वाला, बाहर से दिखाया आपको चार बुर्ज हैं चारों कोनों पे। चलें अब। ये बुद्ध मत का स्टूपा था, यहाँ पे एक टावर था जो 220 फुट ऊंचा अशोका ने बनवाया। इसके अंदर बुद्धा की ऐश ज्वेलरीज वगैरह दफन करके एक मेमोरी बनाई गई थी जिसको स्टूपा कहते हैं। ये 2500 साल से ज्यादा पुराना है लेकिन अब इसका मलबा रह गया। जब हिंदू लोग दोबारा इस एरिया का टास में आए तो उन्होंने ये स्टूपा खत्म कर दिए और इस जगह पे मंदिर बना दिए। ये चोटी पे सबसे बड़ा मंदिर है, इसको कहते हैं सतगरा। सतगरा मीन कम्प्लेक्स ऑफ सेवन टेम्पल। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन देर वॉज सेवन टेम्पल, ड्यू टू सेवन टेम्पल वी से इट सतगरा, बट नाउ फोर लेफ्ट देयर, वन टू वन बिग वन वन अदर साइड, और बाकी तीन थ्री थ्री फिनिश अकॉर्डिंग टू द एज। इसको सतगरा कहते हैं, सतगरा के मैंने ये सात मंदिरों का मजमुआ। ठीक हो गया। अब वहाँ पे चार मंदिर रह गए। ये मंदिरों में सबसे पुराना मंदिर है, ये 6th century AD में बनाया गया, इसका मतलब है तकरीबन 1400-1500 साल पहले ये मंदिर तामीर हुआ। ठीक हो गया। चलें जी आपको अभी कटास टेम्पल की जो ट्रेडिशंस है, तहजीब है, उसके हवाले से आपको कुछ शायरी सुनाते हैं। मैं इत्था ते ढोल कटासे, आए चिट्ठियां लग गई आसे, मैं इत्था ते ढोल कटासे, मंगया पानी लगी प्यासे, जिवें खले कटासे, इट्टां पई गिण दियां मंदर दियां, टुर गया ढोला ला गया मरेजा अंदर दियां, इयो छोड़ रोसे में विच प्या लभदा के माया, चार डांगे जिंदगी किसे नाल रुसने के माया, चार डांगे जिंदगी किसे नाल रुसने के माया, मैं इत्था ते ढोल चकवाले, साडा पल पल ढोले नाले, छप्पड़ बाजारो गिना किनुआ दा रस माया, स्वन भुल वंजना कोई नियो मेडे वस माया, इयो छोड़ रुसे में छोड़ रुसे में विच पे अलब दे के माया, चार डांगे जिंदगी किस नाल रुसने के माया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात। नीचे गाइड जो बता रहा था कि यहाँ पे जो मेन टेंपल्स हैं सतगरा के, ये सात टेंपल थे यहाँ पे, और ये जो मेरे पीछे आपको टेंपल नजर आ रहा है ये यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मंदिर है जो कि अपनी असली हालत में है। इसको मैं बीच में से तो नहीं दिखा सकता, अंदर से वो कुछ काम कर रहे हैं रेनोवेशन का जिसकी वजह से वो लाख है। यहाँ पे सात में से चार मंदिर रह गए हैं। इन सात में से जो चार मंदिर रह गए उनमें से तीन ये आपके सामने हैं, एक ये इस कोने पे है, एक दरमियान में है, एक ये है। और यहाँ पे जो मैं एक बात नोट कर रहा हूँ कि ये जो तीन या चार मंदिर बचे हैं ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर के बने हुए हैं। इन सब का स्ट्रक्चर जो है बनावट वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और चौथा मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ जरा, अगर मेरा कैमरा इधर आए तो, ये चौथा मंदिर ये वाला जी इस साइड पे ये देखिएगा, और ये भी बाकी तीन से इसकी बनावट भी जो है वो मुख्तलिफ है। तो यहाँ पे सात में से चार मंदिर बाकी बचे हैं और ये इस कम्प्लेक्स का सबसे ऊंचा पॉइंट है। मेरे पीछे आपको यहाँ पे सिख दौर में जो रणजीत सिंह का दौर था वहाँ पे ये एक हवेली बनाई गई थी वो आपको नजर आ रही है। ये नीचे भी कुछ टेम्पल्स हैं जो पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। Thank you.
इस कम्प्लेक्स में मुख्तलिफ छोटी बड़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। ये भी एक हवेली बनी हुई है जिसकी चारों साइड पे बरामदे कमरे बने हुए हैं। और यहाँ पे इस कोने में मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ, बाकी कमरे तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले इस वीडियो में देखते आ रहे हैं। ये देखें जी, ये इनका ना यहाँ पे इस हवेली का इनका मेन हिस्सा पोर्शन ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से एक तो ये देखें खिड़कियाँ हैं, सामने आपको तालाब भी नज़र आता है, बारादरी का व्यू मिलता है, बाकी मंदिर का। और इधर इस हवेली के अंदर ये मेन रूम है इनका, शायद यहाँ पे उनका कोई जो बड़ा पेशवा होगा वो यहाँ पे बैठ के इबादत वगैरह करता होगा या जो भी उनका मामला है। और इस साइड पे ये इसमें एक खिड़की रखी गई है ये वाली, और दूसरी साइड पे दीवार है बंद है। बाकी ये ऊपर एक आध रोशनी और हवा के लिए भी इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे ये एक खिड़की बनाई गई है जिसमें स्टेप्स बने हुए हैं। ये चारों तरफ इसके कमरे और बरामदे हैं इस हवेली के भी। ये भी एक कमरा है जी इसी हवेली का, इसके लेफ्ट साइड पे कमरा है, यहाँ पे ये टूट फूट का शिकार हो चुका है मुकम्मल। और यहाँ से भी ये खिड़कियाँ खुलती हैं तीन, और इधर से आपको तालाब का और सामने का सारा व्यू नज़र आता है। इसके बिल्कुल सामने एक और हवेली है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये हवेली के नीचे एक रास्ता बनाया गया पानी के लिए। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये उसी कम्प्लेक्स का असली कम्प्लेक्स का हिस्सा है या बाद में बनाया गया। बेसिकली अब यहाँ से बारिशों का जो पानी है वो आता है और तालाब को भरता है, तालाब की पानी की ज़रूरियात को पूरा करता है। वैसे तो हिंदू धर्म के मुताबिक ये तालाब जो है ये उनके जो भगवान हैं शिव जी उनकी आंखों का आंसू है। जब उनकी वाइफ की डेथ हुई थी तो वो रोए थे, तो ये उस आंसू की वजह से ये बना हुआ है। ये उनका मज़हब है, उनका मानना है, उनका बिलीफ है। ये एक इस साइड पे भी हवेली है जी। ये देखें जी, एक इमारत ये बनी हुई है, ये इसका कमरा था। ये सामने सीन नज़र आ रहे हैं आपको, सांस मेरा फूला हुआ है क्योंकि ऊपर नीचे आ जा रहा हूँ। ये देखें कितने मज़े का कम्प्लेक्स है। इधर से ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, इस साइड पे भी चली जाती हैं सीढ़ियाँ। ये देखें ये वाली, ये नीचे घूम के तो दूसरी साइड पे तालाब के सामने जा निकलती हैं सीढ़ियाँ। और इधर से इस साइड पे भी ये सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये देखें, इधर मैं आपको लेके चलता हूँ। आगे मुझे एक बीड़ ने तमुड़ी ने भी काट लिया है क्योंकि ये ऊपर से पानी के और रोशनी के रास्ते बनाए गए हैं जी ये वाले दो। और ये भी एक, ये मुख्तलिफ जगह बनाई गई हैं कि वो लोग जो थे बिल्कुल मंदिर के सामने आके यहाँ पे बैठते थे। कटासराज टेंपल का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। जो मेन एरिया है वो मैंने आपको दिखा दिया है। पहले ये वाली जगह, ये जो आपको सामने नज़र आ रही है, यहाँ भी आपको कुछ कम्प्लेक्स कुछ इमारतें बनी नज़र आ रही हैं। ये सामने केव्स हैं, ये भी एक बिल्डिंग बनी है और उसके साथ केव्स हैं, वो मैं दिखाता हूँ। तो बताना ये चाह रहा हूँ, ये सड़क 1965 में बनी थी। पहले ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये सारा, और ये सड़क भी मिला के, तो ये सारा कटासराज टेंपल कम्प्लेक्स का ही हिस्सा था। कटासराज गेट की मेन एंट्रेंस के बाहर यहाँ पे इनका हिंदुओं का एक कुआं भी है जिसको अब डाम दिया गया है ऊपर जंगला रख के। और ये पानी खींचने के लिए जो है वो व्हील था, शायद असली व्हील टूट गया हो और ये अब बाद में उन्होंने एक सैंपल के तौर पे लगाया। और ये जी कुआं है, शायद बिल्कुल खुश्क हो गया हुआ है, लेकिन ऊपर उन्होंने जो कि जंगला रख दिया है, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि एक व्यू इसका अंदर से लिया जा सके।
ये भी कुएं के पास भी एक जो है मंदिर बना हुआ है जी, ये देखें। यहाँ पे कटासराज टेंपल में जो मंदिरों की तादाद है वो तकरीबन 25 से 26 बताई जाती है, जिसमें कुछ मौजूद हैं, कुछ असली हालत में हैं, कुछ गिर चुके हैं मुकम्मल तौर पे, कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ये भी देखें, ये मंदिर है, इसके दो कमरे ये हैं, हाँ जी दो कमरे हैं इसके, और ये इसके अंदर ये हाँ जी। तो कैसी लगी आपको ये तारीखी जगह? उम्मीद करता हूँ आपने इसको लाजमी पसंद किया होगा। कुछ मालूमात जो मुझे पता थी वो मैंने साथ साथ आपको बता दी, कुछ मालूमात मैंने बाद में वॉइस ओवर की हैं, और इसमें कमी बेशी भी हो सकती है क्योंकि मैं तारीख दान तो हूँ नहीं, बस एक टूरिस्ट हूँ और जगह को देखने आता हूँ और दस्तयाब मालूमात के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पसीने मेरे छूटे हुए हैं क्योंकि गर्मी है काफ़ी, जुलाई का महीना चल रहा है, बादल तो आए हुए हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत गर्मी है। तो नॉर्थ के टूर्स के बाद आपको मैंने एक तारीखी और पंजाब की जगह भी दिखाई, आप भी यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन कोशिश करें सर्दियों में आएँ तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। ये एक तारीखी जगह है तारीख दानों के लिए, जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो ज़रूर इस जगह पर आएँगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें, किसी नई जगह पर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।